न्यू कराची में बर्फ खाने का बॉयलर फटने से छत गिर गई, 5 अफराद जान बहक, तमाम इमदादी इदारे ताखीर से पहुंचे, गैस फैलने से पूरा इलाका मुतासर, 5वीं बार धमाका हुआ, कोई पूछने वाला नहीं, अहले इलाका का शिकवा। 3 दिन से खपरे पैसे आते हैं, पैसे नहीं है। असी हुण 100 रुपया दे के आए हैं तो हुण 100 दे के जाना वा, सानू तो महंगी पै गई ना। पैसे दे रहे वो लोग सबको, हमें धक्के मिल रहे, साढ़े छोटे छोटे बच्चे ने असी कड़े पासे जाए। इतना पता है कि जुमे की हमारी छुट्टी है, यकम की ये नहीं पता कि यकम वाले भूखे भी मर जाए। कल से ईद की छुट्टियां, पेंशन मिलने की आज आखिरी उम्मीद, सुबह से कतारों में खड़े खड़े दोपहर हो गई, गुजरते लम्हों के साथ बुजुर्ग शहरियों की हिम्मत जवाब देने लगी, मुगलपुरा लाहौर में एहतजाज। ईद आ गई, तनख्वाह दो, कराची के कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में फैक्ट्री मुलाजमीन आपे से बाहर, गाड़ियों को आग लगा दी, हंगामे के दौरान गुल्लू भी सामने आ गए, गाड़ियों को तहस नहस करके सामान उड़ा दिया। सरकारी मुलाजमीन की ईद से पहले ही ईद, साहब घरों को चले गए, पंजाब सेक्रेटेरिएट लाहौर में वीरानी, कोयटा में सरकारी दफातर को ताला, सैकड़ों फाइल साहब लोगों की मेजों पर ही रह गईं, साइलिन मायूस लौटने पर मजबूर। ईद से पहले मार्केट्स में टमाटर और लीमू की मस्नूई किल्लत, कीमत सुनकर शहरियों के चेहरे लाल, कराची समेत मुल्क भर में कीमत अचानक बढ़कर 180 रुपए फी किलो तक पहुंच गई, नमकीन खाने कैसे बनेंगे? 160 रुपए टमाटर, ये कोई इंसानियत है यार? इस हुकूमत को तो पता होना चाहिए ना कि कम से कम 160 रुपए मजदूर क्या करे, कौन है जो इन चीजों को मैनेज करे, कौन है जो इनसे जाकर पूछे? ठीक है, क्या ईद सिर्फ इन लोगों की है? रोजे क्या रखते हैं, रोजे रख के आखिर में खराब कर देते हैं। सुप्रीम कोर्ट में कराची पदमनी केस की समाअत, तारिकीन वतन जहां चाहे मुल्क में घूमते फिरते हैं, जस्टिस खिलजी आरिफ के रिमार्क्स, अदालत का चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के बेटे के अगवा पर एसएसपी साउथ को फौरी हटाने का हुक्म। चित्राल में सैलाबी रेले में लापता होने वाले 19 अफराद की लाशें मिल गईं, बाकी अफराद की तलाश जारी, तबाह होने वाले गांव में दूसरे दिन भी इमदादी कार्रवाइयां। नीलम आजाद कश्मीर में बारिश के बायस समारी बाड़िया नाले में तुगयानी, पुल भी बह गया, वादी नीलम का मुजफ्फराबाद और दीगर इलाकों से राबता मुनकता। तो पढ़ा है कि जब वो बादशाह बन रहा था तो उसने अपने तीनों भाइयों को मरवा दिया था। सवाल करता है। मैट्रिक इम्तिहान में रट्टा सिस्टम नामंजूर, शहजाद रॉय मैदान में आ गए, कहते हैं तलबा में मुस्बत और तनकीदी सोच पैदा करने का वक्त आ गया। ईद के लिए खवातीन की तैयारियां उरूज पर, खवातीन को चाहिए घने बालों की तलाश खराश, क्योंकि सभी चाहते हैं ईद पर मुनफरिद अंदाज।